वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस हम जाने वाले हैं एक नया जगह, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और कहाँ जा रहे हैं, जयपुर का एक जगह जा रहे हैं फेमस प्लेस, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और गाइस किस रास्ते से जा रहे हैं वो भी आप लोग को दिखाऊँगा, और कौन सा जगह है वो भी दिखाऊँगा पूरा डिटेल्स में आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिए। और हम अभी है कुचिंडा संबलपुर में। तो चलिए गाइस जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस हम लोग कुचिंडा से आने के बाद देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, देवगढ़ जाने के लिए आगे जाना पड़ेगा और लैमुरा जाने के लिए लेफ्ट में। तो हम लोग जाएंगे स्टेट जाएंगे सीधे, क्योंकि देवगढ़ रास्ता हमको जाना है। तो गैस चलिए सीधे जाते हैं। आने लिए गैस हम कुचिंडा से आए, तो देखिए भोजपुर से ये रास्ता में आए, फिर उस साइड में है देवगढ़ और हम जाएंगे इस रास्ते में एक सुबुढ़ी, वहाँ पर लिखा है सुबुढ़ी बोल के एक गाँव है, वहाँ से हम जाएँगे अभी राइट, उसके बाद चलिए जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। गैस हम इस रास्ते में आए, उसके बाद यहाँ पे देखिए जाने के लिए ये है गोहिरा बंध मंसर और गोहिरा छक बोल के एक छक है, वो देखिए वहाँ से हम स्टेट जाएंगे अभी सीधे और इस साइड में जाएंगे, तो फोर वे है ये जाएगा देवगढ़ और ये मलपुर के लाइन है ये देखिए। तो हम जाएंगे अभी इस रास्ते में, तो चलिए गैस जाते हैं इस रास्ते में और चलिए आगे क्या है दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी गोहिरा डैम घूमने के लिए, तो गाइस वीडियो को आगे देखिए और किस रास्ते में आना है आप लोगों को तो वीडियो में पता चल गया होगा। चलिए गाइस लोकेशन पे पहले पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। तो गाइस देखिए पहले हमारा एक टीम आगे जा चुका है, तो हम पीछे जा रहे हैं अभी और रास्ता देखिए कितना सुंदर है। तो गाइस चलिए पहले जाते हैं। गोहिरा डैम जो कि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पास है और देवगढ़ से हो जाएगा 40 किलोमीटर या 40-50 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे और देखिए ये रहा उसका डैम का कुछ क्या बोलते हैं उसको, डैम जो पानी कितना है क्या है डैम का वो हिस्सा है और आगे है, तो हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। डैम उधर है, डैम उस साइड में है डैम और हम थोड़ा आगे आ चुके हैं बाइक में। तो चलिए गाइस उस साइड में जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, और आप लोगों को तो वीडियो में डाल दूंगा गूगल मैप, और किस रास्ते में आते हैं वो भी आप लोगों को दिखा पहले से तो दिखा चुका हूं। तो चलिए गाइस उस साइड में जाते हैं और किस डैम में क्या क्या है चलिए जाते हैं। तो गाइस देखिए इस साइड में, और देखिए इस साइड में हम आके जो आगे पहुँच चुके हैं। देखिए गाइस ये है डैम, ये पानी आ रहा है, देखिए ये अभी ये सीज़न है ना तो पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है देखिए गैस, और देखिए यहाँ पे भी हेलो। तो गैस देखिए मैं इस साइड में आके आप लोगों को दिखाने के लिए आ चुका हूँ। देखिए इस साइड में गैस ऊपर से आया मैं, और देखिए तो गाइस देखिए ये डैम है और इस साइड में देखिए थोड़ा
पानी अभी नहीं है क्योंकि बारिश की सीज़न ख़त्म हो चुका है ना अभी, तो गैस थोड़ा थोड़ा ही पानी, अभी गेट खुला नहीं है, गेट क्लोज है। और देखिए पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और गैस क्या यहाँ पे आएंगे तो आप घूम सकते हैं, फ़ोटो फोटा उठा सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। और रहा बात आप लोग फीस्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फीस्ट है, फीस्ट करने के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है प्लेस, अच्छा सा जगह है फीस्ट करने के लिए। और देखिए वहाँ से उतरने के लिए भी सीढ़ी है, देखिए उधर। और गैस उस साइड में पानी है, डैम का इस साइड में पानी है, आप लोगों को दिखा चुका हूँ पानी। और उस साइड से आते हैं, बहुत अच्छा ही डैम है और बहुत अच्छा प्लेस भी है इस डैम में। और आप लोग भी आया के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप लोग भी आइए एक बार और घूम के जाइए, बहुत अच्छा प्लेस है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा नीचे जाने के लिए ट्राई करते हैं, नीचे जाने के लिए यहाँ पे बहुत ये है, तो चलिए नीचे नहीं जाएंगे, अभी ऊपर जाते हैं और अब क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो में गैस बने रहिए, और चलिए गैस इस साइड में देखते हैं क्या है। तो गैस देखिए इस साइड में पानी है, देखिए अपना टोटल कितना एरिया, अपना उधर से जाके इधर तक मतलब पानी है, देखिए कितना बहुत बड़ा है। और देखिए ऊपर यहाँ पे ऐसा है, और देखिए नीचे की साइड आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा गैस। और ऊपर रास्ता है उधर जाने के लिए, और गैस देखिए यहाँ पे घूमने के लिए बहुत लोग आए हैं, पिकनिक भी करने के लिए, और वहाँ नहा रहे हैं, देखिए उधर नहा रहे हैं, और यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं लड़का लोग। और यहाँ पे हाउस है, देखिए पावर हाउस, और यहाँ से ऑपरेट होता है गेट का। तो चलिए गैस ब्लॉग को वहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा, तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।